हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं सेम की फली लहसुन का सब्जी। सेम की फली लहसुन की सब्जी बोल सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे गैस ऑन कर रहे हैं, कढ़ाई रखी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते हैं तो आप लहसुन स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक इंग्रेडिएंट है ये लहसुन जो बहुत ही टेस्टी लगता है इस सब्जी में। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ आप सेम की फली के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं, प्रोसीजर सेम होगा। तो अब हम इसमें डालेंगे सेम की फली। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम डाल रहे हैं सेम की फली कटे हुए। अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ तेल की फली डालिए, इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। जो भी डालेंगे अब तेल की फली गलने के बाद ही डालेंगे। तो हम तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे गला लेंगे, इसको अच्छे से मिला लें। सिर्फ तेल और तेल की फली डालना है हमें। अब हम इसको ढक के, जब तक हमारी फली गल रही है तब तक हमने यहाँ पे जो लहसुन है उसको अच्छे से छील के, पूरी एक डली लिया है मैंने लहसुन, छील के इसको मैं कुचल लूंगी। तो अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि हमारी जो फली है वो गली या नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फली हमारी गल चुकी है और थोड़ी क्रिस्पी भी हो रही है, और मुझे सेम की फली क्रिस्पी ही करनी है। इसको आपको सॉफ्ट सॉफ्ट नहीं रखना है, थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे हम। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप प्लीज ट्राई करके देखें। अगर आपको मेरे चैनल पे अभी तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो ट्राई करना प्लीज कमेंट भी करें। तो यहाँ पर मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डालेंगे। धनिया पाउडर आधा चम्मच, बस थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे क्योंकि हमारी क्वांटिटी भी ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा। यहाँ डालेंगे मिर्ची पाउडर एक चम्मच, एक से डेढ़ चम्मच स्पाइसेस के हिसाब से। और हमने जो लहसुन कुचल के रख लिया था अब यहाँ पर हम वो डालेंगे। बस यहीं पे अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लहसुन डाल रही हूँ कि मुझे पर्सनली लहसुन बहुत पसंद है और यहाँ पे मैं कुकिंग में काफी यूज करती हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, आधा चम्मच टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं और यहाँ पे हम स्लो फ्लेम में इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। मैंने ढक दिया, अब हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए। अब 5 मिनट के बाद हम ओपन करके देखेंगे, ज्यादा नहीं, बस यहाँ पर हो चुका है हमारे क्रिस्पी सेम की फली लहसुन की सब्जी तैयार हो गई। इसमें थोड़ा सा तेल रहेगा, आप चाहे तो तेल की क्वांटिटी थोड़ा कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप गरम गरम चावल के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए और फिर मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।